किशनगढ़ से श्रीमती सुशीला पाटनी इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री जैन धर्म के अनुसार हमको दीपावली कैसे मनाना चाहिए कृपया महाराज श्री इस विषय में भी आपका मार्गदर्शन चाहते हैं बहुत बड़ा विस्तार है लेकिन फिर भी संक्षेप में बता देता हूँ पहला निर्णय तो ये करें कि दिवाली जो आगे पीछे होती है कभी कभी घर की दिवाली पहले मंदिर की दिवाली बाद में ये जैन दर्शन के अनुसार ठीक नहीं हमारा तो नक्षत्रों से सुबह तो भगवान को केवल ज्ञान शाम को गौतम बर्धर की दिवाली होना चाहिए हमें कोई सिंह लग्न आदि नहीं देखना हमारा तो एक ही है गोधुली में दिवाली होना चाहिए रात्रि होने के पहले अंधेरा ना हो पाए उसके पहले पहले दिवाली घर की पूजन होना चाहिए दूसरा बिल्कुल मार्शाला किसी भी हालत में किसी अपेक्षा से दिवाली अंधेरे में रात में नहीं होना चाहिए घर की दिवाली दिवाली पर फटाके नहीं होना चाहिए महान अशुभ अमंगल ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी मांगलिक दिन बारूद का दर्शन करना भी अमंगलिक है बारूद दिख जाना अमंगलिक है बारूद की गंध अमंगलिक है बारूद सामने आ जाना अमंगलिक है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ कोई भी विस्फोटक सामग्री अमंगलिक होती है चाहे वो फुलझड़ी क्यों ना हो उसमें बारूद है फटाखे तो ये अमंगलिक हैं साल भर तुम्हारा मंगल नहीं हो रहा है अमंगल हो रहा है कई लोग महाराज फुलझड़ी तो जला दो जलाइए फुलझड़ी लेकिन अमंगल है आप बच्चे के लिए अमंगल कर रहे हैं अशुभ कर रहे हैं एक फटाके कदापि नहीं फूटना चाहिए बाजे बजवाओ नगाड़े बजाओ घंटे बजाओ झालर बजाओ ढोल तमाड़े बजाओ कोई बाधा नहीं है लेकिन फटाका नहीं फटाका अशुभ है अमंगल है तो फटाके का प्रयोग नहीं करना दूसरा दिवाली कैसे मनना घर में सब लोग पूरे लोग जैसे मंदिर में अपन पूजन करते हैं सब लोग नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र पहने धोती दुपट्टा पहने भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर की तस्वीर सामने हो बस दो ही तस्वीरें होना चाहिए गौतम गणधर और महावीर स्वामी तस्वीरें मिल जाती हैं सिंबॉलिक रूप से तस्वीर रख लो प्रतीक के रूप में उसकी पूजा नहीं करवा रहा हूँ एक जिनवाणी शास्त्र रख लीजिए और जिनवाणी रख करके और अष्टद्रव से पूजा करो सब लोग वैसे ही थाली लगाएं दस जोड़े हैं तो दस थाली लगाओ दस जोड़े बैठो जैसे विधान में बैठते हैं बढ़िया चौकी वौकी लगा के बैठो और बढ़िया झाठ से भगवान की पूजा करो अष्टद्रव से महावीर अष्टक पढ़ो जो भी तुम्हें जितना पढ़ना है और उसके बाद विसर्जन करके दीपकों के पास में अपना एक सोलह दीपक रखो सोलह दीपकों के ऊपर यदि हो सके तो पेंट से पेंटिंग करके सोलह भावनाओं के नाम लिख दो उस दीपक के ऊपर चौंसठ बातियाँ रखो जो चौंसठ ऋद्धियों का प्रतीक है गणधर परमेश और महावीर स्वामी को चौंसठ ऋद्धियाँ प्राप्त हुई थी तो चौंसठ की चौंसठ बाती चौसठ रुद्धियों से संपन्न थे सोलह कारण के दीपक चौसठ रुद्धियों की वो ज्योति ऐसा उनको जला करके और उनके सामने पूजा पाठ कीजिए आप कहाँ पूजा करें घर में कि दुकान पे घर में ही करना दुकान की मनाही नहीं है लेकिन एक स्थान पे पूजा कर लो बस सब स्थान पे करने की जरूरत नहीं अच्छा है घर में कोई जो स्थान ईशान कोण में हो पूजा का स्थान हो अथवा जहाँ तुम्हें सुविधा पड़े वहाँ पर बैठ करके सब लोग पूजन करो अधिकतम उन दीपकों को ले जाकर के मांगलिक के रूप में आप अपनी फैक्ट्री दुकान आदि में पूजन के बाद उन दीपकों को मांगलिक के रूप में अपने प्रतिष्ठानों में रख सकते हो दिवाली के जो पूजन आपने की है उसके थोड़े से पुष्प बचा लिए से साक्षत उन से साक्षतों को ले जाकर के आप अपने प्रतिष्ठानों पर डाल दीजिए साक्षत पूजवर जिनसेन स्वामी महापुराण के अंदर जब चक्र रत्न की उन्होंने स्वीकार किया तो पुष्पों का छेपण करके उसका मांगलिक किया तो पुष्प ले जाइए बस इससे ज़्यादा नहीं रिश्तेदारों के मांगलिक करना है तो आप अपना एक दीपक उठा करके उनके दरवाजे रखाइए उनको दे रखिए जिससे मेरे रिश्तेदार का भी मांगलिक हो संभव हो तो ये संक्षेप से दिवाली की है बही खाता वगैरह पूजन तिजोड़ी तो पूजन नहीं इसके एक ही हैं दो कारण बस एक मांगलिक करना है तो मैंने कहा तो जोड़ी के ऊपर भी पुष्प डाल दीजिए वही खाते हुए पुष्प डाल दीजिए और अधिकतम आपको करना है तो जो केसर आपके पास थी उस केसर से वही खाते पर श्री स्वस्तिक आदि कोई शुभ संकेत लिख दीजिए ये शुभ संकेत है मात एक मांगलिक करने का तरीका है बस श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें ये सब नहीं लिखना हाँ आप श्री लिख दीजिए श्री सबसे बड़ा मांगलिक ग्रस्तों के लिए शुभ चीज है दोनों श्री देने वाला है ऐसे एक घर की पूजन करना है यदि पूरे घर वाले नहीं बैठ सकें किसी कारण बस तो घर का जो मुखिया हो वो कम से कम धोती दुपट्टा पहन के बैठे मुखिया यदि अस्वस्थ हो तो वो अपने प्रतिनिधि के रूप में घर के किसी दशत को नहा के धुला करके पूजा में बैठा ले सब पूजा पढ़े और वो वहाँ अर्घ चढ़ावे उस स्थान पर खाना पीना नहीं करना कोई नरियल वगैरह फोड़ कर खाना पीना है तो पूजा के बाद बाहर जाके खाइए उस स्थान पर नहीं उन दीपकों में जब तक घी है सुरक्षित करके जीव न गिने बीच का एक मध्य दीपक हो सके तो जला के रख रहो वो जलता रहे रात भर जलता रहे निर्माण स्थल के ऊपर और खाता है जहाँ भगवान का मोक्ष होता है वहाँ एक दीप का प्रज्वलन करते हैं देवता आकर के और उस स्थान को तो एक जो दर्शन शुद्धि वाला या कोई बड़ा दीपक है उसको किसी जाली आदि से ढांक दीजिए रात भर जग से हो जलता रहे लेकिन दीपक रात भर जले तो उसके साथ में परिवार के सभी लोग अथवा कोई एक व्यक्ति रात भर वहाँ बैठा जागरण करे माला फेरे जागरण करे और माला फेरे ध्यान करे जो भी करना अखंड पाठ करो भक्तांबर का नमोकार मंत्र का रात्रि का मांगली करना है सब बढ़िया भक्तांबर में सुपयोग करो लेकिन रात में पूजा नहीं करना तो ये संक्षेप में पूजा है और संक्षेप की पूजा यही है पांकी के लिए एक किताब सबसे पहले बहुत मिथ्यात था तो शायद उन्नीस के किसी की घसान मुझे याद नहीं है जब मैंने देखा कि आप लोग तो पूछे ही भूलते जा रहे सारे हमारे सम्यक देवहार मिथ्या होते जा रहे जिससे पूछा वो कहता लक्ष्मी जी की पूजा जिससे पूछा वो धन दौलत की पूजा किसी को मालूम नहीं और सब मिथ्या की तरफ जा रहे थे किसी के यहाँ कोई कैलेंडर रखा किसी के यहाँ कोई कैलेंडर रखा महावीर स्वामी का कैलेंडर ही नहीं है तब फिर जा कर के एक पूजन विधि पूरी की पूरी दीपावली पूजन विधि कैसे होना चाहिए इसको निकाला था सब शिविरार्थियों को दिया था जिन पूजा में छपा हुआ है जो शिविर में पूजा के लिए किताब छपती है एक जिन पूजा है अच्छा किताब जिन पूजा तो उसमें छपा और अभी एक किताब आर के बारवल वालों बार ने सबको छपवाई है बहुत अच्छी उसमें सारी विधि जो मैंने अभी बताई उसमें विस्तार से लिखी हुई है आपको क्या करना चौसठ विद्दियों के अर्घ छाओ क्या अर्घ है चौसठ डिद्धियों के कहाँ दुनिया में भटकते हो इतनी शक्तियाँ हैं इतनी शक्तियाँ जैन दर्शन में हैं इन शक्तियों पर विश्वास तो करो और विश्वास के साथ श्रद्धा करो और बड़े श्रद्धा के साथ इनके फेरो चौंसठ रिद्धियों में एक से एक रिद्धियाँ हैं